How to make EWS certificate for JAM 2023 और कौन से स्टूडेंट इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है EWS सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे इनको कैसे अप्लाई किया जाएगा। देखो यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया है, तुम्हें इस फॉर्मेट को फिल करना है। और इस फॉर्मेट को कैसे फिल किया जाएगा, तो यहाँ पे देखा वैलिड फॉर द ईयर मतलब 2023 के लिए वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे तुम्हें एक फॉर्मेट दिया गया, ठीक है। इस फॉर्मेट की जो भी नेम, तुम्हारा एड्रेस, सब कुछ तुम्हें फिल करना है। और तुम्हें क्या बोला गया है, अगर तुम्हारा 5 एकड़, ठीक है, इससे ज़्यादा ज़मीन रहेगा एग्रीकल्चर के लिए, तब तुम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा रेसिडेंशियल जो फ्लैट है ये क्या है 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, तब तुम अप्लाई नहीं कर सकते। रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड्स, ये बोलता है 100 स्क्वायर यार्ड्स, बट ये सब लोग जनरली मेंशन नहीं करता है, ये क्या है इससे भी ज़्यादा होता है तो फिर भी तुम अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। रेसिडेंशियल म्यूनिपल सिटी एरिया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो म्यूनिपल सिटी एरिया में रहता है। और रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स अबव एरिया इन द नोटिफाइड म्यूनिपल सिटी, तो ये तुम्हारे क्राइटेरिया मेनली। उसके साथ साथ जो इनकम है, फैमिली इनकम, ये 8 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। जिसकी फैमिली इनकम 8 लाख के नीचे है, ठीक है, 8 लाख मतलब यहाँ पे कितने आ रहा है, जैसे तुम मान के चलो 8 लाख मतलब तुम्हारे मंथली 70,000 के आसपास आ रहा है, 70-80,000, इससे कम आ रहा है तो तुम्हारा आई थिंक 70 आ रहा है, 7 × 12, हाँ लगभग 70,000 के आसपास आ रहा है, 70,000 से थोड़ा कम, 65,000 के नियर। तो अगर इससे तुम्हारा कम है तब तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फैमिली इनकम अगर कम है तो तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे तुम देख सकते हो। और इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एक सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट। और इनकम सर्टिफिकेट तुम्हें कहाँ से लाना है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, यहाँ से तुम जो मतलब जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है यहाँ से तुम्हें एक इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है। और इन सारे पॉइंट को तुम्हें फिल करना है और इसको तुम्हें 31 मार्च के पहले सबमिट कर देना है। तो देखो ये बेसिकली एक क्यों इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से है तो अगर वो इस सर्टिफिकेट को फिल करेगा तो जैम में, जब तुम जैम की फॉर्म को फिल करोगे तो उससे पहले ही अगर तुम इस फॉर्म को करके रखते हो ना, तो तुम्हारा रैंक में भी बहुत असर आता है। बहुत सारे EWS स्टूडेंट्स हैं जिसको पहले पता ही नहीं होता है जो कैसे फॉर्म को बनाया जाता है, तो इसलिए मैं तुम लोगों को पहले ही बता दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम जैम फॉर्म फिल करने से पहले अगर इसको कर लोगे तो तुम्हारे रैंक में भी बहुत इंक्रीज होगा, मतलब तुम्हें बहुत ही जनरली EWS के लिए जो सिक्योर सीट है वो तुम्हें मिल जाएगा। और बाद में तुम्हें ये नहीं कर सकते क्योंकि जैम फॉर्म फिल करने के टाइम ही तुम्हें EWS में प्रेस करना पड़ता है जनरली, तो यहाँ पे इनको ज़रूर तुम लोग फिल कर लेना, ठीक है, और जो जो मतलब इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो कमेंट सेक्शन में बताओ अगर तुम लोगों को कुछ भी जानना है, तो मैं उन सबकी रिप्लाई करूँगा। ऑल द बेस्ट।